सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे सैनिक परिवार के लिए। जिसने भी ये पहल किया है उसको मैं सलूट करता हूं। और जो लोग आप समझ सकते हो केरल से पहुंच रहे हैं, लोग आसाम से पहुंच रहे हैं, लोग उत्तराखंड से पहुंच रहे हैं, लोग हिमाचल से पहुंच रहे हैं, लोग J&K से पहुंच रहे हैं, यानी आपके चारों दिशाओं से, गुजरात से पहुंच रहे हो, बाकी जो स्टेट्स के पहुंच रहे हैं वो तो आप समझ ही सकते हो। ये हुजूम, ये जोश, ये कोई पिकनिक पे नहीं गए हैं। और ये आप समझ सकते हो 20 तारीख को हमारी मांगों पर, हमारी मनसा पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। और MOD ने जो 13 मांगे हमारी रिजेक्ट करके एकदम डस्टबिन में डालने का काम किया, पॉलिसी का हवाला दिया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी हमने किया है वो सही किया है, धन्य हो। सोचने वाली बात है, व्यवस्था इस बात की है कि ये लोग इतना भी नहीं समझे कि यानी 5 साल बाद उन्होंने जो पेंशन रिवीजन किया और उस 5 साल पहले किया था, अभी से जाके बराबर उसमें घाटा हो रहा है। और इनको ये भी पता है कि आगे 2024 में होने वाला, उसमें भी जवानों को कुछ नहीं मिलने वाला। यानी पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाई है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उस पॉलिसी ने बिल्कुल जवानों के साथ दुर्व्यवहार, आघात, मैं सोचता हूं कुछ भी जो भी शब्द बोले वो कम है। अब ये पॉलिसियों के ऊपर जाकर के हमें उस केंद्र सरकार को जगाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचानी, माननीय रक्षा मंत्री जी तक आवाज पहुंचानी है, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक बात पहुंचानी है, जो कि सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। दोस्तों क्या यह अन्याय नहीं है? क्यों आप OMGC की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे? OROP 1 इंप्लीमेंट के बाद उसमें दिखाया गया था कि जवानों को जो मिलना चाहिए था, जो जवानों का मूल आधार था, वो नहीं मिला। और जवान उस दिन से प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया। आज OROP 2 में बिल्कुल सीधा उन्होंने दिखा दिया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये पॉलिसी कोट कर रही है कि आगे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करें? क्या चारा बचता है आपके लिए? एक ही चारा बचता है कि आपको संगठित होकर बड़े जोर से अपना आंदोलन करना होगा। और उसी का आज, उसी का परिणाम, और आज उसी के लिए एक निर्णायक दिन है जिसको बोलते 23 जुलाई। अब जरा आप सुनिए 23 जुलाई पर जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। सभी लोग इच्छा है, जो वहां पहुंच चुके हैं वो तो जानते हैं, बाकी दूर दराज में कुछ बहुत सारे वीर नारी हैं, बहुत सारे आप जो लोग बीमार हैं, चारपाई पर हैं, वो उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए बैठे कि सरकार ने हमारे साथ जो गड़बड़ किया वो तो ठीक है, उन्होंने अपना जवाब दे दिया गड़बड़ का, वो भी ठीक है, अब हम आगे क्या करें? भले हम आज पूरी तरह संगठित न हो, लेकिन दो भागों में भी, लेकिन जवानों ने कितनी अच्छी पहल की कि हम सबके साथ हैं, क्योंकि आज हमारे अस्मिता की लड़ाई है, हमारे मुद्दों की लड़ाई है, हमारे चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की आप समझ सकते हो विसंगतियों को लेकर हो, डिसेबिलिटी पेंशन को, इक्वल MSP को लेकर के हो, या और ECHS CHD अन्य सुविधाओं को लेकर हो, आज नहीं तो कभी नहीं। आज हम अपनी बात को उठाने के लिए, लोग अपने पैसे से जा रहे हैं, हुजूम में जा रहे हैं, वहां आप समझते हो इतनी गर्मी है और सब जगह इकट्ठा हो रहे हैं। और अब देखिए वहां का नजारा, बिल्कुल लोगों, बिल्कुल जगह कम पड़ जाएगी, लोग इतने हैं, बैरिकेड, पुलिस प्रशासन, मीडिया भी आज जागा है। पहली बात ये होता है कि जो 2 पुलिस वाले हैं आज 100 पुलिस वाले ही मिलेंगे आपको, और जो लोकल मीडिया, आज बड़ी मीडिया भी जाएगी। और क्योंकि आज बड़ी आवाज है, और ये सरकार है, ये कितनी ईमानदार है आप समझ सकते हो, यही है कि इनको चाहिए संख्या बल, एकता चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि चुनाव का माहौल आ रहा है, राजस्थान में चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव, और ये मुद्दा इधर से उधर घूमने वाला है। पहले कांग्रेस से BJP में गया, BJP से कांग्रेस में जाएगा, इसका दबाव जरूर बनेगा। और इसलिए कहते हैं कि आप सारे इन वीडियो को देखिए, और इन सूरवीरों को, योद्धाओं को आप जरूर से मोटिवेट करिए, अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये मुहिम आगे और जबरदस्त बने और 2024 तक सरकार की नाक में दम कर दें। और सरकार को मानना पड़ेगा वो कौन सी कुशियारी रिपोर्ट उठानी पड़ेगी, दोबारा जाना पड़ा होगा जड़ में, और वहां पर जाके ये सारे नियम संशोधित करने पड़ेंगे, ताकि जवानों को न्याय मिल सके, जिनके लिए वो आरोपी बनी थी उनको न्याय मिल सके, उन वीर नारियों को न्याय मिल सके, 28 लाख सैनिकों को न्याय मिल सके। और आज नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद। मैं अपने वयोवृद्ध सरकार संघर्ष समिति संस्थापक 95 वर्ष हमारे प्रगत विकास के लिए सरकार बोलूंगा, जो आप ताली होनी चाहिए, जिनकी सोच वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाइव कवरेज कर रहे हैं जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
हेलो 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 और उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि यह वो शख्स है लाली तलवार साहब के लिए, शख्स है फेडरेशन के लिए, कि यह वो शख्स है ना जो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ध्यान रखिएगा, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, रात के 12-12 बजे तक केवल काम करते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे लाली तलवार सर के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। इसी कड़ी में हम खुद प्रयागराज से चल के आए हैं, पूरे एक सर्विसमैन वेलफेयर यूनियन पंजाब साहसिक साहबान साहब, आप लोग का तो जवाब नहीं है बोले तो ये जो मंच है पूरे भारत वर्ष का मंच है, आपकी आवाज है, मत सोचिएगा कि केवल यही जाएगी, वो पूरे दिल्ली भारत वर्ष के लिए है। तो हम कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोले और सही तरीके से बोले, किसी का अपमान ना करें। हेलो मोदी सरकार, अभी नहीं तो अभी नहीं, जय हिंद जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, अपना हाथ लेके वंदे, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, अपना हाथ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हाथ 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 लेके रहेंगे, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं इस टाइम पर चुका है और बहुत बढ़िया यहाँ पर मैं तकरीबन सभी पदाधिकारी से मिल चुका हूँ और यहाँ पर हेलो हो रहा है, तो शुरुआत है, शुरू हो रहा है, बाद में धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा।